हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिचा और आज हम बनाने वाले हैं पटेटो वेजेस। जो इसकी रेसिपी है वो बहुत इजी है और ये खाने में बहुत यमी और टेस्टी होते हैं। और ये जो रेसिपी है ये बच्चे लोगों को और बड़े लोगों को दोनों को पसंद आती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक और कमेंट देना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि पटेटो वेजेस बनाने की ईजी रेसिपी क्या है। पटेटो वेजेस बनाने के लिए हमें चाहिए है, यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं। इन्हें मैंने छील के काट लिया है, आप चाहें तो आलूओं को ना छीले, मैंने छील लिया और इतने मोटा मोटा इन्हें काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और नमक लिया है मैंने स्वादानुसार। इसके अलावा मैंने लिया है मिक्स हर्ब्स, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके अलावा हमें लगेगा रिफाइंड ऑयल, डीप फ्राई करने के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब हमें आलूओं को उबालना है, मैंने पानी गर्म करके रखा है और अब हमें इसमें आलू डाल देंगे। ये देखिए इन्हें हमें आधा पकाना है, ये 2 मिनट में हो जाते हैं। ये देखिए ये हो गए हैं और अब मैं इसे किचन टॉवल में निकाल लूँगी और इन्हें ठंडा होने के लिए साइड रख दूँगी। अब इसके बाद मैं एक बाउल लूँगी और उसके अंदर मैं अब कॉर्नफ्लोर डालूंगी, मैदा, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब, ये मैं आधी चम्मच डालूंगी और इन्हें पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ड्राई मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं या धनिया पत्ती को भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसमें नमक डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल सकती हैं। ये देखिए ये इतना गाढ़ा होना चाहिए और अब मैं इसमें डालूंगी आलू और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी और अब हम 20 से 25 मिनट के बाद तेल गरम करने रखेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी हमारे आलू। ये देखिए इन्हें पहले डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये देखिए मैंने सब डाल लिया है और इसे अब हमें पकाना है मीडियम फ्लेम में। ये देखिए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। ये देखिए इनका कलर कितना बढ़िया हो गया है और इन्हें अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए बनकर रेडी हो गए हैं हमारे पटेटो वेजेस। ये देखिए इनका कलर बढ़िया आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। ये बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।